वेलकम बैक यार लोग, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी एक नई गेम प्ले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेले अपना वही पुराना गेम माइंड लॉस्ट। बट आज हमें एक प्रिजन में कैद कर दिया गया है। जी हाँ, आज हमें इस प्रिजन में कैद कर दिया गया है। और एक सेकेंड, मुझे इस फटे पुलाने और डाली मूछ वाले हालत में देख के पहचानने से मना मत कर देना। मैं आप लोग का पुराना दोस्त हूँ विजडम गेमर। हाँ, ध्यान से पहचानो मुझे, नहीं पहचान ले तो नीचे चैनल में चेक कर लो। देखो मुझे कितने टाइम से इस प्रिजन में कैद करके रखा है। मैं कपड़ों का तो हरा, देखो कैसे फटे पुलाने कपड़े देते हैं, ढंग से खाना भी नहीं देते, ना डाली बनाने देते। तो इसी कारण इन्हीं सब चीज़ों से तंग आके हम इस प्रिजन से आज एस्केप करने वाले। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हमें अपने इस सेल से निकलने का आइडिया ढूंढना होगा, क्योंकि इस सेल में हमें महीनों से सालों से कैद करके रखा है और हमें ढंग से खाना भी नहीं देते। देखो यहाँ पे इसी सेल में यहाँ पे ये टॉयलेट भी है हमारा करने का, जहाँ सोते उसी के बगल में करना पड़ता है, कितना बुरा लगता है। और देखो इस डिस्पेंसर में हर डे सिर्फ एक ही खाना आता है, सिर्फ एक पीस से मेरा क्या पेट भरेगा, इतना मैं मोटा आदमी हूँ। वैसे ये क्या चीज़ है मुझे अब तक नहीं पता चला। मैं इतने टाइम से ले रहा हूँ इस प्रिजन में और अभी तक मैं इससे निकल नहीं पाया। मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा इससे एस्केप करने का, बस ढूंढने की ज़रूरत है। ये लेवल दबाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो फ्लश का लेवल है, इसे फ्लश भी नहीं होता है। क्या करूँ, आयरन गेट तोड़ दूँ या आयरन बार तोड़ दूँ, कुछ टूटेगा ही नहीं। मैं ऐसा अलग अलग से फूट या ये क्या है, ओ भाई ये क्या चीज़ है। अच्छा तो यहाँ इस पेंटिंग से रास्ता है, मैं इतने टाइम से यहाँ ले रहा हूँ मुझे अब तक पता भी नहीं चला। गलती हो गया, सबसे पहले आते ही पेंटिंग में घुस जाना चाहिए था। यहाँ तो आगे पर ये भी तो एक प्रिजन ही है जो कि कैद है। इसका क्या, इससे कैसे निकले, इसका डिस्पेंसर से देखते हैं कुछ खाना निकलते हैं। हाँ, जो खाना निकल कर चलो, आज मुझे दो चीज़ खाने को मिलेगा, डेली एक चीज़ मिलता था। आप क्या करें, ये कॉबल स्टोन यहाँ पे, ये कॉबल स्टोन टूट जाएंगे क्या? नहीं टूटेंगे ना, कॉबल स्टोन टूटेंगे ना, इसको दबाने से कुछ होगा। वैसे इसके कॉलम में पानी नहीं है, कैसा टॉयलेट है इसकी, यहाँ तो पानी भी नहीं आता। जो भी इस सेल में रहता है वो बेचारा कैसे अपना काम क्लियर करता होगा। चलो लगता है अपना बिग ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा भाई यहाँ से निकलने का। चलो बिग ब्रेन इस्तेमाल कर लो। ये क्या है, बैनर वैसे टॉवल जैसा लगता है, यहाँ पे टॉवल लगा हुआ है वाइट कलर का, पर ऑल कहीं में मुझे ना कोई बटन दिख रहा है ना कोई लेवल दिख रहा है। कैसे निकले, कहाँ जाए, कैसे निकले। ये पेंटिंग में दोबारा चल के देखते, हो सकता है हमारे रूम में इसका कोई सुराग हो इसे निकलने का। नहीं, हमारे रूम में भी कोई बटन वगैरह नहीं है, कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा इसमें से निकलने का। इस पेन वापस उसी रूम में चलते हैं, शायद उसी रूम, मुझे लगता है उसी रूम में हमें मिलेगा। ये बीच में भी चेक कर रहे थे, बीच में कुछ है क्या? नहीं, बीच में भी कुछ नहीं है। वापस हम इस रूम में आ गए, इस रूम में कहीं पे कोई बटन वगैरह भी नहीं है। क्या कर ले, कहाँ, मुझे कुछ दिखा? ओ, उस बैनर के पीछे एक वुड का बटन है, उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। उसके पीछे एक बटन, इसको दबा तो दिया पर कुछ हुआ नहीं। ओ भाई कुछ हुआ नहीं, प्लैंक हो गया हमारे साथ, कोई मैसेज रहा है बट कुछ हुआ ही नहीं। क्या करे, इसको दबा के देखते, इसे तो खाना निकल रहा है, इसमें कितना खाना है, लगातार निकल रहा है, इतना खाना मेरे वाले में नहीं था। ओ भाई यहाँ तो चीटिंग हो रहा है, मेरे वाले में सिर्फ एक नहीं डलता था, इसके में इतना सारा डला हुआ है, लगता है इसने सदियों से खाया नहीं। ये क्या चीटिंग की किताब, अरे वाह, स्कूल में भी ये चीटिंग की किताब मिलती थी, बड़ा मज़ा आता था शायद, यहाँ भी कुछ मिले। इफ़ यू वॉन्ट टू चीट हर, ओ भाई ऐसा मत कर लो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओके आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, लुक बिहाइंड द बैनर। भाई बैनर के पीछे देख लिया, एक बटन है, एक सेकेंड, अभी ये बुक मिला है। अब दोबारा उस बटन को दबा के देखते, शायद दोबारा वो बटन दबाने से कुछ गेट खुल जाए। वापस रूम में चले क्या, कहीं हमारे बैनर के पीछे तो कुछ नहीं ना है, देखते नहीं, हमारा बैनर तो उस ब्लॉक से ढका हुआ है, उसके पीछे कुछ नहीं हो सकता। और ना हमारे डिस्पेंसर में कोई किताब है, वो लगता है हमें उसी बैनर के पास जाना होगा और उसी बैनर को का बटन को वापस दबाना होगा। पिछली बार तो दबाने से कुछ हुआ नहीं था, हमारा टाइम बर्बाद हो गया था खाली। कोई बात नहीं, अब इसको दबाऊं कैसे, चलना पड़ेगा। लगता है इसके टॉयलेट के ऊपर मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। अब दबा दिया बटन, कुछ तो हुआ, मुझे कुछ आवाज़ आया। ओ भाई गेट गायब, चलो भाई गेट गायब हो गया, इसी बात पे लाइक करो। हमें सारे प्रिजन चेक करने चाहिए, शायद किसी ना किसी प्रिजन के चेस्ट में कोई काम का चीज़ हो। देखते हैं इस प्रिजन में कुछ है क्या। ओ भाई
प्रिजन, इस प्रिजन में, ये तो हमारा ही प्रिजन है जिसमें हम कैद थे, कोई बात नहीं हम इससे निकल गए। इस प्रिजन में चेक कर ले, इस वाले में कुछ है क्या? हर प्रिजन में और सारे प्रिजन चेक कर ले, ये एक आखिरी प्रिजन बचा, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो मकली के जहर लगे। इतने सारे प्रिजन में हमने सारे प्रिजन चेक कर ले, ऊपर चल के भी अब देख लेते हैं। हाँ ऊपर ये बड़ा सा फ्लोर तो बना हुआ है, बट कुछ कोई है इस फ्लोर पे? कोई है? कोई नहीं है। और ऊपर चल के देखते हैं, और ऊपर चलने पे शायद कोई मिल जाए। हाँ यहाँ पे एक डोर तो है सामने भी। अरे बाप रे, पुलिस वाले आ रहे हैं, हमें यहाँ से छुपना होगा, कहीं दोबारा हमें पकड़ के जेल में डाल दिया तो इतना मुश्किल से निकले हैं, और मेरे पास जमानत भरने के भी पैसे नहीं है। ओ भाई यहाँ पे कुछ है इस चेस्ट में हो सकता है कुछ हो। भाई साहब डायमंड का आर्मर मिल गया, इस डायमंड के आर्मर को पहन लेते हैं। अरे वाह, इस फटियार हालत से निकलने का तो प्लास्टर मिल गया, अब हम डायमंड के कपड़े पहन के चलेंगे। अब तक फटियार हालत में चल रहे थे, डायमंड के कपड़े पहनो सबसे पहले। वाह, इस डायमंड के कपड़े में कहीं कोई इंचेंटमेंट क्यों नहीं है? चलो अच्छे से कपड़े मिल गए, उस फटियार हालत में चलने में भला बेकार लग रहा था, आप लोग को चेहरा दिखाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोग सोचोगे कि क्या हालत में रह रहा है। पर वैसे अगला पूछ लो कि मुझे किस क्राइम में इसके अंदर डाला गया है, तो मैंने एक विरेजल की वाइफ की, बेटी की, बहन की, चाचा की, नाना की, मौसी की, बुआ की हत्या कर दी थी, इस कारण मुझे ऐसे सजा मिली। ऐसे इस रूम में क्या है, कुछ काम क्या है, या इसमें भी कुछ बकचोदी ही है? इसमें भी लगता है कुछ फालतू ही चीज होगी, बकचोदी, सस्ती बकचोदी। चेस्ट खोल के चेक करूं, दैट्स नॉट, क्या लिखा था? छोड़ो, फालतू चीज है, कुछ काम का नहीं है इसमें। अब कौन से गेट जाए, इस वाले गेट में जाके देखते हैं। हाँ यहाँ पे एक चेस्ट है, हो सकता है इस चेस्ट में बहुत काम की चीज। ओ भाई अच्छा, तो हम लोग अपने प्रिजन में जो उस कमबोर्ड के ऊपर जो काम करते थे वो यहाँ आके जमा होता है। पहले जमा क्यों होता है? पुलिस वाले इसका क्या करते होंगे? पता नहीं क्या करते रहते ये पुलिस वाले अपने कैदियों के टट्टी का क्या करते हैं ये लोग। छोड़ो अब आगे वो कुछ भी करे हमें क्या, वो चाहे टट्टी का सूप बना के पिए या टट्टी का चटनी बना के रोटी के साथ खाए, हमें उससे क्या लेना देना। हमको यहाँ पे एक स्नो बॉल मिल गया, स्नो बॉल का क्या क्रेम? निकलो यहाँ से, इधर जाए कि इधर जाए? अक्कल बक्कल बम्बे बो, इधर चलते हैं। इधर क्या है? अरे यार ये तो वही किचन है ना जहाँ हमने कल दाल भात खाया था, और दाल भात में जीरा, और दाल भात में जीरा भी कम था दाल में, और दाल में नमक भी कम था। एकदम खराब खाना बनाते हैं ये लोग, क्या करूँ। एक विले, हाँ तूने ही खाना बनाया था ना, बता इतना खराब खाना क्यों बनाता है? यू मस्ट ट्रेड विलेज, हमें इसे ट्रेड करना होगा। भाई पहले मेरा जवाब दे, तू इतना खराब खाना क्यों बनाता है? दाल भात में कैसा दाल बनाया था? इतना कम जीरा था, जीरा ही नहीं था दाल में, बिना जीरा के दाल थोड़ी ना बनाई बनती है। वैसे ये हमें स्टिंग के बदले एमरल्ड दे रहा है, हमें शायद इससे एमरल्ड लेना है, उसके लिए हमें स्टिंग चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। काम कर ले, इसको ही टपका देते हैं। चलो नहीं नहीं भाई, इसको टपकाते नहीं है, कहीं आगे इसका प्लेट का जरूरत पड़ा तो टपक गया तो हमको कौन निकालेगा यहाँ पे। अरे वाह क्या खाना है, देखो इन जेल वालों के पास इतना अच्छा खाना होता है, लेकिन फिर भी हमें खाने को देते क्या है? ये सरकारी पैसा का सब यार खुद पे लुटाते हैं, कैदियों को कुछ खाने को नहीं देते। इसमें इस वाले चेस्ट में चेक करता हूँ, वाह देखो आलू है, कुकीज़ है। मुझे इतना साल से मैं जेल में ला लूँ, मुझे आज तक एक भी कुकी केक या पम्पकिन पाई नहीं मिली, खाली वही मिर्च चिपका देते और एक पाव रोटी चिपका देते, उससे क्या होगा? यहाँ तो कुछ नहीं मिला भाई। स्टिंग कहाँ है? फर्नेस में चेक करता हूँ, शायद हमें फर्नेस में स्टिंग मिल जाए। ओ भाई हमें कुछ मिलेगा यहाँ फालतू हम टाइम वेस्ट करने आए हैं? चेक करते हैं, हो सकता है किसी फर्नेस में कुछ मिल जाए। नहीं भाई गायज, हम काफ़ी देर से सारे फर्नेस हमने चेक कर लिए पर हमें कुछ मिल ही नहीं लाए। हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हम एक सेकेंड, ओ इस चेस्ट के नीचे भी एक चेस्ट है, अच्छा छुपा के रखा गया है स्टिंग। सब समझता हूँ, आजकल के पुलिस वाले बहुत छुपा के रखते हैं, सारा काम अंडरग्राउंड होता है। ओ विलेजर मेरे से ट्रेड करेगा? आज ट्रेड करते हैं, मज़े आएंगे सबकी कमाई। चलो हमने स्टिंग तो इससे देख दिया है और इससे एमरल दे लिया, अब बोल मेरे को उठा ले क्यों नहीं दे रहा था? खाना अच्छा बनाएगा कि नहीं बता, खाना अच्छा बनाएगा? बोल खाना अच्छा बनाएगा? ले मल गया, खाना अच्छा नहीं बनाएगा तो मनेंगे ना, ये इनको नौकरी पे लग देती है सरकार, लेकिन ये खाना अच्छा नहीं बनाती, खाली सरकार का पैसा बर्बाद करती है, क्या करे ऐसे स्टाफ का।
छोड़ो यहाँ से निकलो, हमें क्या, अब तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ओ लाइब्रेरी में आ गए। ओ भाई देखो, ऐसे पीछे से धप्पा करना बहुत बड़ा पाप है, ये सब पापी लोगों का कर्तव्य है। वैसे तुम भी पापी ही हो सकल से, लेकिन ऐसे पाप नहीं करना चाहिए। ओ और कोई पापी है क्या? हाँ एक और पापी अभी बचा हुआ है। ओ पापी लोग ये ले, मर जाओ पापी। ओ पापी, अरे यार ये तो मेरे को ही टपका देगा। चलो टपक गया। ओ आप कहाँ से टपके? ओ ऊपर से टपके आप? अच्छा ठीक है, ये तो आपस में ही लड़ ले, उनको छोड़ो, इनको लड़ने दो, हम अपना काम करते हैं। जब आपस में ही लड़ ले तो आपस में ही लड़ के मिल जाएंगे, अपने को क्या लगता है? ये लोग आपस में ही लड़ के मरेंगे, छोड़ो हम अपना काम करते हैं। ओ भाई यहाँ पे हमें, अच्छा यहाँ पे हमें एमरल्ड डालना है। लुक इन द किचन। भाई हमने किचन में देख भी लिया, हमें एमरल्ड भी मिल गया और हमें एमरल्ड को ले भी आए। अब हम इस एम्बुल को इसमें डालते हैं, हो सकता है इस एम्बुल को इसमें डालने से कोई आगे का रास्ता खुले। लो भाई अब डाल। ये क्या हुआ? ओ पीछे से धप्पा करते हो, पीछे से धप्पा करना बहुत बड़ा पाप है। क्या करूँ, इन पापी लोगों का बहुत पाप करते हैं ये। क्या जमाना आ गया, दुनिया में आजकल पाप बहुत बढ़ गया है। क्या होगा इस देश के भविष्य से, क्या पता नहीं माइनक्राफ्ट के भविष्य का क्या होगा जब ऐसे पापी लोग यहाँ रहेंगे तो। चलो इनका पाप खत्म हुआ, अब हम अपना काम करते हैं। हमें ये एम्बुलेंस उसमें डालनी है, पहले थोड़ा सा ब्लड खाते हैं, अपना हेल्थ बढ़ाते हैं। इस स्कैटर ने मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर दिया भाई। चलो ये काम कर रहे, इस एम्बुलेंस को हम इसमें डालते हैं, हेल्थ अपना बढ़ जाएगा। एम्बुलेंस तो हमने इसमें डाल दिया बट कुछ हुआ ही नहीं। ओ भाई कुछ हुआ क्यों नहीं? हमारा साली मैं बर्बाद चली गई क्या? आगे का वो रास्ता दिखाओ ना, आगे क्या करना है, कैसे निकलना है, कुछ बताओ ना। पता नहीं क्या बोला है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अच्छा देखो ये गाइस, सामने रास्ता खुल गया, इट मीन्स हमने प्रिजन एस्केप कर लिया है। पर एक सेकंड ऊपर चढ़ के भी देख लेते, वैसे ऊपर है क्या? ऊपर कोई नहीं है, ऊपर पूरा एकदम सन्नाटा है। ये ऊपर कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है क्या? ये 370 लग, ढाला कितना होता है वो जिसमें सिर्फ 4 लोग रहते हैं? 144। हाँ ढाला 144 लागू है क्या? पता नहीं होगा लागू, अपने को क्या, अपन लोग तो निकल गए ना। चलो गाइस तो हम लोगों ने फाइनली प्रिजन एस्केप कर लिया है, तो इसी बात पे आप लोग जल्दी से जल्दी नीचे जो एक सब्सक्राइब का बटन है उसे डीप दबाइए और उसे लाल से काला कर लीजिए। जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमने प्रिजन एस्केप कर लिया है। वैसे मज़ा आया, वैसे वो क्या है वाइट कलर का, चल के देखते हैं क्या है भाई। ये क्या कोई स्ट्रक्चर वगैरह है क्या? स्ट्रक्चर ही लग रहा है, कमांड ब्लॉक वगैरह लगा हुआ है, पर इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। आई थिंक ये हमारे किसी काम का नहीं है। जो ये इसके अंदर कोई कमांड वगैरह डला हुआ होगा जो इस प्रिजन को कंट्रोल वगैरह करता होगा। तो छोड़ो हम, ये कौन सी इमारत है? ये तो हमारा प्रिजन है पर इसके सामने कौन सी इमारत है? ये ब्लैक ब्लैक क्या है, पता नहीं क्या क्या लगता है। वैसे इतना बड़ा ये बिल्डिंग बनाया क्यों है? मुझे लगता है ये हमारे आउटलो देने के लिए बनाया है या फिर अंदर कोई मॉब वगैरह होगा। तब हो गया, इस गेट ने अभी अभी मुझे कमरे से बाहर निकाला है। इस गेट पे केस कर दो कोई। गाइस ये क्या है? अच्छा ये जगह हमें आउटलो देने के लिए दिया गया। ठीक है हम यहीं पे आउटलो देंगे, आप लोग ये मत बस। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो की भी होती है डी एंड। तो आज की इस वीडियो में हमने इस हार्डेस्ट प्रिजन को एस्केप कर लिया फाइनली। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं डी एंड और मैं इसी तरीके के फनी गेम प्ले वीडियो लाता लाऊंगा। इसके लिए हमारे चैनल को दोबारा कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम रूटल पर भी है और आप डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रूटल का, डिस्कॉर्ड का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।